अगर आप मुंबई में आ रहे हो, मतलब घूमने के लिए भी आ रहे हो, या फिर आपका कोई एग्जाम है या फिर इंटरव्यू है, तो आप ऐसी जगह पर रुक सकते हो, बिकॉज यहाँ का बजट भी कम है एंड आपको एक अच्छा सा फील भी होगा रहने के लिए। तो गाइज अभी मैं आपको इनके होटल का सबसे बढ़िया वाला रूम दिखा देता हूँ बिजनेस क्लास का, और इसके लिए भी पासवर्ड है, आप लोग देख सकते हो। हर एक रूम के लिए यहाँ पर अलग अलग पासवर्ड है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। शुरुआत से शुरू करते हैं और आज फिर एक यूनिक टॉपिक को कवर करते हैं। तो गाइस मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो अभी मैं कहाँ पर आया हूँ। तो जिन लोगों को पता नहीं मैं बता देता हूँ, अभी मैं आया हूँ औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर। तो आज हमारी एक छोटी सी ट्रैवल जर्नी होने वाली है, छोटी सी ट्रिप होने वाली है, जो कि मैंने आपको बताया था यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर। तो गाइस आज मैं जाने वाला हूँ सपनों की नगरी में। तो जिन लोगों को पता नहीं मैं बता देता हूँ, द सिटी ऑफ गेट्स औरंगाबाद से द सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई को आज की हमारी ट्रिप होने वाली है। तो गाइज हमारी जो मुंबई की सीरीज होने वाली है ना, उसका टाइम पीरियड छोटा है, बट ना आपको कंटेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया देखने को मिलने वाला है। तो बने रहना, अभी मैं निकल रहा हूँ, यहाँ से ट्रेन आने वाली है। मैं अभी रात में कुछ शूट तो नहीं कर सकता, डायरेक्टली मुंबई को जाकर उतरूंगा, उसके बाद शूट स्टार्ट करूंगा। तो तब तक आप जो भी सिनेमेटिक शॉट से जाने तक के वो एंजॉय करो, बिकॉज आपको भी पता है अभी रात का टाइम है, कुछ अच्छे से शूट भी नहीं होगा। एंड आज की जो मेरी जर्नी होने वाली है ना, वो जनरल कोच में, बिकॉज मुझे स्लीपिंग का सीट मिला ही नहीं, तो इसलिए फिर मैंने जनरल का निकाल लिया। बिकॉज गाइज ट्रैवलिंग करना इंपॉर्टेंट है, आप कैसे जाते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए अभी हम जाते हैं एंड देखते हैं। तो लगभग सुबह में 6 बजे ही दादर स्टेशन पर आ चुका था गाइज, एंड उसके बाद फिर मुझे अंधेरी आना था, बिकॉज जो मेरा आज का स्टे है हॉस्टल का वो अंधेरी में था। तो अंधेरी में आया मैं, एंड क्या हुआ पता है, मैं मेरे मोबाइल का चार्जर घर पे ही भूल चुका हूँ। तो अभी अंधेरी की इस मार्केट में घूम रहा था चार्जर देखने के लिए, बट यहाँ पर प्राइस बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं, लगभग 350 रुपये। तो इतना तो मैं नहीं दे सकता, बिकॉज मैं अभी सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ आज फिर से, एंड उसमें बजट ट्रैवलिंग है। मैं आपको मेरा स्टे भी दिखाता हूँ, बिकॉज मेरा जो स्टे है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मुंबई में आपको इतनी चीप जगह रहने के लिए कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इसलिए फिर मैं यहाँ पर आया हूँ अंधेरी को। एंड सुबह इंसिडेंस कैसे हुआ पता है, मैं अंधेरी के स्टेशन से बाहर निकला तो मुझे यहाँ का एड्रेस पता नहीं था। तो मैंने एक ऑटो वाले से पूछा कि कितना चार्ज लोगे, तो उसने मुझे 120 रुपीज़ बोला, मतलब यहाँ तक छोड़ने का। तो मैंने सोचा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था एंड 120 रुपीज़ चार्ज वो मुझे बोल रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार इतना कैसे होगा। फिर आगे जो लोकल बस रहते सिटी बस, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बस मुझे 5 रुपीज़ में मेरे एड्रेस तक छोड़ दिया। मतलब कितने पैसे बच गए आप लोग सोच सकते हो। एंड अभी मैं एक मार्केट में घूम रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। गाइज मार्केट से आने के बाद मैं अभी रेडी हो चुका हूँ, तो अभी मैं आपको जहाँ पर रुका हूँ ना उस होटल का एक टूर दे देता हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो, मुंबई जैसे इतने बड़े सिटी में आपको इतना बढ़िया एंड चीप स्टे मिल जाए ना गाइज, तो आपका दिन बन जाएगा। तो गाइज इस होटल का नाम है होटल अरमा। तो अभी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ होटल कैसा है। तो गाइज इस होटल में रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास। तीनों भी ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है एंड बजट फ्रेंडली है। तो अभी फटाफट मैं आपको यहाँ का इकोनॉमिक क्लास, फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास का एक छोटा सा टूर दे देता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा अगर आप इन फ्यूचर यहाँ पर आते हो मुंबई में, तो आपको रहने के लिए ये जगह बेस्ट है या नहीं। तो जैसे एरोप्लेन की विंडोज़ होती है ना, आप लोग देख सकते हो, आपको इस होटल में वैसे ही विंडोज़ देखने को मिल जाएगी। एंड इसी के अंदर हमारा इकोनॉमी, फर्स्ट क्लास वगैरह रूम्स है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये फर्स्ट क्लास वाला रूम है, इसका चार्ज जो भी मैं आपको बताता हूँ। एंड आप लोग देख सकते हो आपको ऐसा बेड मिलेगा
एंड यहाँ पर आपको स्टोरेज के लिए जो भी आपका पर्सनल सामान है, यहाँ पर कीज़ वगैरह दी है, तो यहाँ पर आप अपना स्टोरेज वगैरह सामान जो भी रख सकते हो सेफ्टी के लिए। यहाँ से आपको एक विंडो भी मिलेगी, देख सकते हो एरोप्लेन जैसी, तो ऐसा कुछ है। यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए कॉर्ड भी है, लाइट्स वगैरह भी है। गाइस कंफर्ट के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइस अभी हम फर्स्ट क्लास में, आप लोग देख सकते हो ये रहा बेड। तो अभी अंदर से डोर लॉक हो चुका है, एंड अगर आपको डोर को भी खोलना है ना, तो सिक्योरिटी की इतनी ज़्यादा अच्छी, देख सकते हो यहाँ पर एक बटन दिया गया है, तो इसको अगर आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये डोर ओपन हो जाएगा। एंड बाहर भी ना पासवर्ड वगैरह का सिस्टम है, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अभी मैं आपको इनके होटल का सबसे बढ़िया वाला क्लास दिखा देता हूँ, जिसे हम बिजनेस क्लास भी कहते हैं। एंड आप लोग देख सकते हो हर एक इसको अलग अलग पासवर्ड है, मतलब पासवर्ड दिया गया है, सिक्योरिटी का कितना ज़्यादा ध्यान रखा गया है। एंड देख सकते हो बहुत ही बढ़िया से ये रूम से। तो अभी हम एक को ओपन करते हैं, मुझे पासवर्ड बताया गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से रूम कैसा है। देखो अभी रूम ओपन हो चुका है, एंड ऐसा कुछ रूम आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर मिरर है, एंड आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कम्फर्ट है गाइस, आपका एक सेपरेट कंपार्टमेंट जैसा रूम है, बढ़िया सा। अंदर से ऐसे कुछ कर्टन्स भी आप लोग देख सकते हो, अगर आप साइड को करोगे तो आपको आगे वाले का रूम दिखेगा, बट सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड ये देख सकते हो आप, अगर अभी मैंने इसको लॉक कर दिया, तो अभी इसका लॉक कैसे खुलेगा अंदर से, आपको बस ये बटन प्रेस करना है, जस्ट देखो ओपन हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एंड बहुत ही बढ़िया स्टे है गाइस। अगर आप मुंबई में आ रहे हो, मतलब घूमने के लिए भी आ रहे हो, या फिर आपका कोई एग्ज़ाम है या फिर इंटरव्यू है, तो आप ऐसी जगह पर रुक सकते हो, बिकॉज़ यहाँ का बजट भी कम है, एंड आपको एक अच्छा सा फील भी होगा रहने के लिए, बिकॉज़ यहाँ के वॉशरूम भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। हर सुबह आकर ये लोग सब क्लीन कर जाते। अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट जहाँ पर भी रुकता हूँ ना, उसका मैं आपको टूर देता हूँ, बिकॉज़ आप लोगों को भी पता होना चाहिए मैं कहाँ पर रुकता हूँ, मेरा बजट कितना होता है रुकने का। मैं जहाँ पर रुका वो है इकोनॉमी क्लास, वहाँ का बजट बस 300 रुपीज पर नाइट का है। यहाँ पर ना हर बार प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, तो आप booking.com पर जाकर देख सकते हो। अभी जो मैंने इकोनॉमी क्लास बुक किया था गाइस, तो मैंने यहाँ पर आकर ही ऑफलाइन में बुक किया था, बिकॉज मैंने उनसे पहले कॉल पर बात की थी, ऑनलाइन में मुझे थोड़ा महंगा पड़ रहा था, बट ऑफलाइन में आकर मुझे 300 रुपीज पर नाइट का चार्ज पड़ा इकोनॉमी क्लास में, बंक बेड का। जो भी डॉर्मेटरी रूम होता है ना, हमें एक सिंगल बेड मिलता है, तो वैसा। तो आप लोग भी आ सकते हो, बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास का भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बस आपको चेक करके आना पड़ेगा। सीजन वाइज गाइज प्राइजेस भी चेंज होते रहते हैं, आपको भी पता ही होगा। गाइज यहाँ पर लेडीज़ के लिए अलग वॉशरूम्स है, एंड जेंट्स के लिए भी अलग वॉशरूम्स है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वॉशरूम की कंडीशन, एंड आप लोग देख सकते हो गाइस कितने ज़्यादा क्लीन यहाँ के वॉशरूम है, तो आपको कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ज़्यादा क्लीन है यहाँ के वॉशरूम वगैरह। आपको गर्म पानी भी मिलेगा, बिकॉज अंदर गीज़र लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, तो ऐसा कुछ सिस्टम है। तो गाइस यहाँ पर आपको कैफेटेरिया भी मिल जाएगा, एंड आउटडोर गार्डन भी है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर जाकर कैसा है। रही बात खाने की, मुंबई में बाहर तो खाना सस्ता ही मिलता है गाइस स्ट्रीट फूड पे। अगर आपको इस होटल का भी खाना खाना है, तो अभी मैंने आपको दिखा दिया कैफेटेरिया, वहाँ पर जाकर आप खा सकते हो। एंड यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, अगर आप थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा देते हो, बट मैंने ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं रखा, बिकॉज यार मुंबई में आया हो तो मुंबई का स्ट्रीट फूड खाने में मज़ा ही कुछ अलग आता है, इसलिए फिर मैंने ब्रेकफास्ट वाला पार्ट इंक्लूड नहीं रखा था। तो गाइज इस होटल का ये कॉमन एरिया है, जहाँ पर हम लोग आकर मतलब बैठ सकते हैं, कुछ खेलना वगैरह रहेगा तो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कैरम बोर्ड भी है, एंड ऐसा कुछ ये भी है, तो आकर अगर आपको बैठना है, टाइम पास करना है, चिल करना है कॉमन एरिया में, तो आप लोग कर सकते हो। गाइज इस होटल से एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, एंड अंधेरी का जो रेलवे स्टेशन है वो भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, एंड यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी साकीनाका में, जहाँ पर ये होटल है, तो आप मेट्रो से भी जा सकते हो एंड घूम सकते हो। तो गाइज आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इन फ्यूचर मुंबई में आते हो, तो आपको ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है रहने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यही रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलूंगा जल्दी मैं आपको एक अच्छे वीडियो के साथ, क्योंकि अभी मुंबई के बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाले, अभी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मिलूंगा जल्दी मैं आपको एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।